ये गीत जो है वो इस फिल्म का मेरे ख्याल से हाईलाइट है गाना। जब हमने इसे रिकॉर्ड किया था तो उसी वक्त इस बात का एहसास हो गया था। अनूप जलोटा जी जो हैं वो मेरे बहुत पुराने मित्र हैं, हमारी दोस्ती पुरानी है बहुत। हम करीब 35 साल से हमारी दोस्ती चली आ रही है। तो उन्होंने जब मुझे कहा कि ये गाना इस फिल्म के लिए करना है, और मैं जब स्टूडियो पहुंचा तो पता चला कि कुछ काम की वजह से उनको कहीं बाहर जाना पड़ा था तो वो नहीं आ पाए थे। ये गाना मैंने अकेले गाया स्टूडियो में, जो मेरा पार्ट है वो तो अकेले गाया। लेकिन जब गाते गाते मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैंने अनूप जी को फ़ोन किया और कहा कि भाई मैंने मेरा पार्ट गाया है और मुझे गाना बहुत पसंद आया है। तो मैंने कहा कि अब आप जो है उसमें उतनी जान डालिए कि लगे कि सही में दोस्ती हमारी जो है वो 35 साल पुरानी है। तो उन्होंने भी बड़ी खूबसूरती से ये गाना गाया। गाना रिकॉर्ड होने के बाद जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं चंद्रा बारो जी, उन्होंने कहा कि भाई ये गाना जो है वो इतना खूबसूरत है कि इसका आपकी जो दोस्ती है उसको प्रोजेक्ट करते हुए एक वीडियो बनाना चाहिए। स्क्रीन पे भी बहुत ही बेहतरीन तो दिखाई उन्होंने दी है। ये जब शूट किया तो अब जब जाके हम लोग ने हम देखते हैं उसको तो इस बात का एहसास होता है कि केमिस्ट्री जो होती है दोस्तों में वो सामने नज़र आती है। और बहुत अच्छा गीत है। मेरे ख्याल से कई सालों से जो गाने आए हैं उसमें दोस्ती का जो सब्जेक्ट है या तो दोस्ती की बात करते हुए कोई गाना जो बना है उसमें मेरे ख्याल से ये गाना जो है आउटस्टैंडिंग गाना है। और मुझे उम्मीद है कि ये गाना बहुत लोग पसंद करेंगे। चाहेंगे कि दो लाइन आप जरा नहीं, ये आप सुनी रहे हैं तो सुन लें, अगर आप नहीं, आप दो लाइन अगर आप जी अगर सुन लें नहीं, आप सवाल पूछिए ना तो उसका जवाब देता हूँ तो हम चाहते हैं कि दो लाइन अगर मैं। आप गाना तो मैं हर वक्त बता गाता दें। अच्छा हूँ। चलिए, सर प्रोड्यूस भी कर रहे हैं इस फिल्म को और हमेशा मैं कि सेंसर बोर्ड से काफी प्रॉब्लम रही है, जी साले वर्ड ऐसा कुछ, तो आपका क्या टेक होगा, आप क्या ये तो मानते हैं साहब इस मैं फिल्म की इसमें क्या क्वालिटी कहूँ, क्योंकि मैं फिल्म प्रोड्यूसर हूँ नहीं और मैं एक कलाकार हूँ, तो व्हाट कमेंट करें मैं खुद अच्छा ही। चाइना गेट में ये इवेंट है और नारद पीआर इसे हैंडल कर रहा है, जी दोनों के साथ में कैसा रहा आपका नहीं, एक्सपीरियंस? इनसे तो मैं बहुत पुरानी मेरी पहचान है, प्रीतम शर्मा और सब लोगों से, तो वो लोग हमेशा अच्छा काम करते हैं और मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म सक्सेस हो। मैं तो यही दुआ करूँगा अनूप जी के लिए खास करके कि ये फिल्म बहुत बहुत सक्सेसफुल हो और ये फिल्म बहुत कामयाब हो, ये मेरी दुआ है। चाइना गेट में आपका यहाँ पर किस तरह का एक्सपीरियंस रहा अब तक, जब तक से हमारा इंटरव्यू हुआ है सर, तो जी चाइना चाइना के बाद कुछ तरह का एटमॉस्फेयर आपको कैसा लगा? नहीं, बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से इस तरह के इवेंट के लिए और इस तरह के काम के लिए ये जगह बहुत अच्छी है और मेरे ख्याल से बहुत ही ये लाजवाब है। जी सर चाइना गेट को कुछ आप विशेष देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई आपका ये जो रेस्टोरेंट है वो और कामयाब हो और सक्सेसफुल हो।